हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे छत्तीसगढ़ में जो वाद्य यंत्र होते हैं और वो वाद्य यंत्र कितने टाइप के होते हैं और कौन सा वाद्य यंत्र किस टाइप का है, ये सब पार्ट हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की जो लोक गाथाएं हैं उसको भी जो है हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। दोनों पार्ट से जो है आजकल क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो ये सब पार्ट जो है हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र टोटल जो है वो चार प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। पहला होता है औनत वाद्य, जिसको कि वितत वाद्य भी बोला जाता है। दूसरा होता है धन वाद्य। तीसरा होता है स्वर वाद्य या सुशीर वाद्य। और चौथा होता है तंतु वाद्य या तंत वाद्य। तो सबसे पहले देखते हैं औनत वाद्य क्या होता है। औनत वाद्य या वितत वाद्य जो होता है ये प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल के तौर पर देखें तो जैसे ढोलक होता है, यानी उसमें जो है बजाया जाता है उसको, चाहे दोनों तरफ जो है एक हिस्सा कवर रहता है या दोनों हिस्सा कवर रहता है और हाथ के माध्यम से या लकड़ी के माध्यम से उसको बजाया जाता है, तो ऐसे वाद्य यंत्रों को जो है औनत वाद्य बोला जाता है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं ढोल, मांदर, टिंकी, सिंह बाजा, नगाड़ा, चांग, तासा, दफड़ा, डफली और गोगा। तो ये जितने वाद्य यंत्र मैंने यहां पर लिखे हैं ये औनत वाद्य यंत्र है। अगर हम इसको एक एग्जांपल यहां पर देख लें, ढोल देख लें, नगाड़ा देख लें या इसके अलावा डफली देख लें, तो हमको समझ आ जाएगा किस प्रकार के वाद्य यंत्र जो औनत वाद्य के अंतर्गत आते हैं, जिनको ठीक है जिनको हाथ के माध्यम से या लकड़ी के माध्यम से बजाया जाता है, तो ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं औनत वाद्य। ठीक है, सेकंड टाइप होता है धन वाद्य। धन वाद्य ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं जो कि एक सपोर्टर वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, यानी सपोर्टिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हम देखे होंगे कि जब भी कुछ भजन होता है या कीर्तन होता है कुछ भी, तो पीछे जो है एक जो जो गायक रहता है वो हाथ में पकड़ के एक लकड़ी का या कुछ जो एक तांबे का कुछ चीज बजाते रहते हैं हाथ में पकड़ के, वही चीज होता है धन वाद्य। जैसे कि मंजीरा, करताल, ठिसकी, चुटकी, झांझ, चिटकुल। तो ये प्रकार के जिस प्रकार के वाद्य यंत्र जो कि सपोर्टिंग वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, यानी एक स्वर वहां पे जो भी पीछे वाद्य यंत्र या ढोलक बज रहे तो उसके साथ उसकी ताल मिलाते हैं, तो ऐसे वाद्य यंत्र को जो है धन वाद्य कहा जाता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से धन वाद्य जो है ताल मिलाने के लिए बजाए जाते हैं, जो भी ताल चलते रहते उसको मिलाते हैं ये। ठीक है, अगला हम देखते हैं स्वर वाद्य या सुशीर वाद्य। स्वर वाद्य या सुशीर वाद्य ऐसे वाद्य यंत्र को बोला जाता है जो कि फूक मार कर बजाए जाते हैं, यानी जो फूक मार के जो भी वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं ऐसे वाद्य यंत्रों को स्वर वाद्य या सुशीर वाद्य बोलते हैं। जैसे कि बांसुरी, सहनाई, अलगोजा, मोहरी, तुतरू, तोड़ी अंकुम। ठीक है, तोड़ी अंकुम, ये तोड़ी अंकुम मुख्य रूप से फसल की रक्षा के लिए वहां पर बजाया जाता है बस्तर तरफ के क्षेत्रों में। तो ये मुख्य रूप से एक बार मोहरी पूछा गया था कौन सा वाद्य यंत्र है, या एक बार अलगोजा भी पूछा गया था अलगोजा किस क्या चीज होता है, तो वाद्य यंत्र होता है इससे हमको पता चला था। ठीक है, अगला हम देखते हैं चौथा प्रकार होता है तंतु वाद्य या जिसको कि तंत वाद्य भी कहा जाता है। तो तंतु वाद्य या तंत वाद्य ऐसे वाद्य यंत्रों को कहा जाता है जिसमें तार लगी होती है, यानी जिसमें तार लगी होती है और तार के माध्यम से उसको बजाया जाता है, तो ऐसे वाद्य यंत्र को तंतु वाद्य या तंत वाद्य कहते हैं। जैसे कि इकतारा, सरोद, संतूर, सितार, तनपुरा, किकरी और रामबाजा। तो इतने प्रकार के जो ये वाद्य यंत्र होते हैं तंतु वाद्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो चार है, खासकर जो हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है वो है मांदर। तो मांदर का तो स्पेशली याद रखना हमको, मांदर औनत वाद्य के अंतर्गत आता है। अगर आप नेट में जाकर इनकी फोटो देखेंगे तो आपको एक बार में सब चीज समझ आ जाएगा, आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अपने को याद रखना है औनत के अंतर्गत क्या आता है, स्वर के अंतर्गत क्या आता है, तंतु के अंतर्गत क्या आता है और धन वाद्य के अंतर्गत क्या आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्र। अब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की लोक गाथाएं कौन कौन सी है। तो छत्तीसगढ़ की लोक गाथाएं को हम तीन स्तर पर बांटे हुए हैं। पहले में जो है प्रेम गाथाएं लिखे, जहां पर पुरुष और स्त्री इनका वर्णन किया गया दोनों का, ठीक है, प्रेम या श्रृंगार या वियोग का वर्णन है उनके। दूसरा होता है धार्मिक व पौराणिक गाथा और तीसरा होता है वीर गाथा, जो वीरता से वीर रस से भरपूर रहती है वैसी, और धार्मिक और पौराणिक में जो कि रामायण या महाभारत काल से संबंधित है। तो सबसे पहले हम प्रेम गाथाओं में देखते हैं अहिमन रानी की गाथा।
तो अहिमन रानी की गाथा जो है मुख्य रूप से एक रानी रहती अहिमन, जिनके जो पति का नाम रहता है वो है राजा वीर सिंह। तो अहिमन रानी एक बार जो एक सरोवर में स्नान करने के लिए अपने जो सास रहती उससे परमिशन मांगती है, लेकिन जो उनकी सास रहती उनको सरोवर स्नान करने से मना कर देती है। तो अहिमन रानी जो है वो अपनी सखियों के साथ जो है सरोवर में स्नान करने चले जाती है, जहां पर उनके जो वस्त्र रहता है वो चोरी हो जाता है वस्त्र उनका, और जो भी सामान लेके जाती है सब चोरी हो जाता है। तो जब ये वहां से अपने राजमहल वापिस आती है तो राजा वीर सिंह जो रहते हैं उनके ऊपर शक करते हैं और उनको अपने ससुराल मतलब उनके ससुराल से निकालकर मायके जाने की नसीहत देते हैं। उसके बाद वो मायके जाने ही लगती है, तब जाकर उनके बालों को घोड़े की पूंछ से बांधकर खींचा जाता है, जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर बाद में जब उनके पति राजा वीर सिंह को यह एहसास होता है कि उन्होंने यह गलत किया है, तो वो शिव पार्वती की पूजा करते हैं और अहिमन रानी को पुनर्जीवित करते हैं। यही गाथा है अहिमन रानी की गाथा, जो कि अहिमन रानी और राजा वीर सिंह की है। ठीक है, अगला देखते हैं केवला रानी की गाथा। तो केवला रानी की गाथा भी वहां जो नायिका है इस पूरी गाथा की वो है केवला रानी, और उनके पति रहते हैं राजा मदन सिंह। तो राजा मदन सिंह जो रहते हैं वो केवला रानी से उनका विवाह हो जाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां वहां पर ऐसी बनती हैं कि जो केवला रानी रहती है वो अपने मायके से विदा होकर ससुराल नहीं आ पाती, तो वो तोते के माध्यम से जो है अपने पति राजा मदन सिंह को जो है अपना पत्र भेजती है। फिर राजा मदन सिंह उनको वहां से यहां जो मायके उनके लेने आते हैं, तो ये किस प्रकार से उनको अपने मायके से निकालकर ससुराल लेके जाती है, यही गाथा बताई गई है केवला रानी की गाथा में। अगला देखते हैं देवा रानी की गाथा। तो जो देवा रानी की गाथा है, देवा रानी मुख्य रूप से एक नॉर्मल महिला रहती है जो कि पुरुष की कामुकता की शिकार होती है। इनका बार बार जो है वहां पर बलात्कार किया जाता है, और उनमें से किसी एक बार में जो है उनका कंस जो रहते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कंस जन्म, तो कंस उनमें से जो उनकी संतान होती है वो कंस होता है। इसी के बारे में ये गाथा बताई गई है, जो कि मुख्य रूप से देवा रानी की गाथा है। ठीक है, अगला हम देखते हैं राजा वीर सिंह की गाथा। तो राजा वीर सिंह की गाथा जो है ये भी, अब एक बार इनका भी जो है कुछ अपना पत्नी से झगड़ा होता है, तो वो उनको जो है गुस्से में आकर मक्खी बना देते हैं। फिर वो किस प्रकार से वापिस उनको स्त्री रूप में लाते हैं, यही सब गाथा के बारे में बताया गया है राजा वीर सिंह की गाथा में। ठीक है, अगला हम देखते हैं रहीमत रानी की गाथा। तो रहीमत रानी की गाथा जो रहती है, रहीमत रानी एक हिंदू रानी रहती है जिनको जो है एक मुस्लिम लड़के से जो है वो प्रेम हो जाता है, तो वो मुस्लिम लड़के से जो है शादी करने का जीद में अड़ जाती है। जैसे तैसे करके जो है उनकी रानी जो उनकी शादी रहती है वो मुस्लिम लड़के से कराई जाती है, लेकिन रहीमत रानी जैसे ही उनके घर से विदाई होने लगती, जो रहीमत रानी की भाभी रहती है वो उनको जो है जहर खिला देती है जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। यही सब गाथा बताया गया है रहीमत रानी की गाथा में। ठीक है, जो जितने भी मैंने ये पांच गाथाओं के बारे में बताया है इसका सोर्स भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका सोर्स है बिहनिया मैगजीन, जो गवर्नमेंट के कल्चर डिपार्टमेंट की निकलती है, उससे मैंने ये लेके बताया है। ठीक है, अगला हम देखते हैं धार्मिक और पौराणिक गाथा। तो धार्मिक और पौराणिक गाथा में जो सबसे फेमस है वो है फूल बासन की गाथा। तो फूल बासन की गाथा में क्या होता है, माता जानकी जो रहती है रात को एक बार स्वप्न देखती है, और उस स्वप्न में जो है उनको फूल कुंवर जो एक फूल बासन का जो फूल रहता है उसकी चाह होती है। तो वो लक्ष्मण को जो है फूल बासन का जो फूल रहता है उसको लेने के लिए लाने के लिए आग्रह करती है। तो फूल बासन का फूल लेने के लिए लक्ष्मण जी निकलते हैं, और जो है वो आठ दिन की यात्रा करने के पश्चात एक जगह पहुंचते हैं जहां पर एक जोगी जो रहता है वो बैठ के तप करता रहता है। तो उस जोगी की जो बाल रहते हैं वो इतने लंबर जटाएं जो रहती है इतनी लंबी रहती है, जिसमें लक्ष्मण जी फंस जाते हैं जाकर। तो बाद में जो है लक्ष्मण जी उस जोगी की सेवा करते हैं, फिर वो उनको एक वरदान देता है और बोलते हैं कि जो भी आपको मांगना है मांगो। तो लक्ष्मण जी जो उनसे फूल बासन का फूल मांगते हैं, जिसको कि वो उनको वरदान स्वरूप प्रदान कर देता है, और वो फूल बासन का फूल लेकर वापिस आते हैं। यही गाथा बताई गई है फूल बासन की गाथा, जो कि रामायण कालीन गाथा है। ठीक है, इसके अलावा पंडवानी गाथा भी है, जो पंडवानी हम लोक नाट्य पढ़ते हैं वही है, उसको मैं यहाँ पे नहीं कवर कर रहा हूं। अगला हम देखते हैं वीर गाथाएं। तो वीर गाथाएं में जो है सबसे फेमस जो वीर गाथा है फूल कुंवर की गाथा। फूल कुंवर एक राजकन्या रहती है या वीर कन्या बोल ले, तो वो जो है अपने राज्य को किस प्रकार मुगल साम्राज्य से बचाती है और मुगल साम्राज्य को हराकर अपने राज्य को बचा लेती, यही गाथा बताई गई है फूल कुंवर की गाथा में। ठीक है, जो कि मुगल काल से संबंधित है।
अगला हम देखते हैं देवी गाथा। देवी गाथा में मुख्य रूप से बताया गया कि ये मुख्य रूप से अकबर के काल से रिलेटेड है कि अकबर किस प्रकार से जो है देवी का पूजन करते हैं। यही गाथा में बताया गया कि मुगल जो शासक थे वो देवी की भी उपासना करते थे, देवी गाथा में वही बताया गया है। अगला जो फेमस है वो है कल्याण साय की गाथा। कल्याण साय की गाथा में यह बताया गया कि कल्याण साय जो कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश से संबंधित है, उनको जहांगीर जो है अपने दरबार में बुलाते हैं और जहांगीर के दरबार में जब कल्याण साय जाते हैं तो जहांगीर उनको वापिस आने नहीं देते। तो यहां से जो है गोपाल वीर, बिलासा बाई केवेंटीन और जो जो यहां से जाते हैं मुख्य रूप से उनको बचाने के लिए, तो गोपाल वीर जो रहते हैं वहां पर जाकर अपने जो उनका मुख्य रूप से कर्तव्य दिखाते हैं पहलवानी का, तो उनके पहलवानी के कर्तव्य से खुश होकर जो रहते हैं वहां पर जो जहांगीर रहते हैं वो छत्तीसगढ़ को मुख्य रूप से टैक्स फ्री कर देते हैं और सम्मान व उपाधियां देकर कल्याण साय को वापिस यहां पर छत्तीसगढ़ भेजते हैं, जिसकी गाथा यहीं पर कल्याण साय की गाथा के रूप में बताया गया है। तो कल्याण साय और इसी के साथ यहां पर गोपल्ला गीत जो कि गोपाल वीर के ऊपर ये गोपल्ला गीत कलचुरीकालीन गीत है, ये पेपर में आ सकता है। अगला क्वेश्चन दसमत गाथा। तो दसमत गाथा पेपर में एक बार पूछा गया दसमत गाथा छत्तीसगढ़ के कौन से क्षेत्र संबंधित है, तो दसमत गाथा जो है छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले से संबंधित है। दुर्ग जिले में एक बांध का निर्माण कराया जा रहा था, दसमत बांध ही बोलते हैं, ये कहां है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, केवल इतना बताया जाता है कि दुर्ग जिले में एक बांध बनाया जा रहा था, उस बांध के निर्माण में जो जो प्रॉब्लम आई बनाने में उसी की गाथा यहां पर बताया गया है, उसी को दसमत गाथा कहते हैं जो कि दुर्ग जिले में स्थित है। ठीक है, दुर्ग जिले से संबंधित है। तो जितने भी छत्तीसगढ़ की लोक गाथाएं थी और वाद्य यंत्र तो उसको हमने यहां पर कवर कर लिया, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जितना भी पार्ट था आज का उसको हमने कवर कर लिया है। इसके अलावा मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जो कि सेंसस का हमारा बचा हुआ पार्ट है, उसको भी हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे, वो कल या परसों में वो भी आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।